ये चाहते हो कि हिंदुस्तान एक रिपब्लिक कंट्री रहे तो जमहूरियत का हक है इलेक्शन होना। इलेक्शन ऐसे होना चाहिए जो साफ सुथरे अंदाज में, हर किसी को हक है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, अपनी मजहब की आजादी के साथ जीने का। लेकिन यहां के लोगों ने अंदर एक अलग तरीके की राजनीति खेल रहे। कुछ दिनों पहले उन्होंने मजलिस के कारकुनान को जबरदस्ती बिना वजह एक अलग तरीके से हरासा करने की कोशिश की। जहां वो लोग मीटिंग लेने जा रहे उस जगह खुद पहुंचकर उनके दरमियान उनसे गलत बातें कर रहे। लेकिन मजलिस के दीवाने ना वो किसी ताकत से डर रहे हैं, ना वो किसी झांसे में आ रहे हैं, ना इनके ऑफर्स को ठुकराकर इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बल्कि अगर इनके ऑफर्स आते हैं तो मजलिस कहते हैं कि अकबर भाई ने पहले ही कह दिए पैसे सबके लो लेकिन वोट किसका। अरे मेरे नौजवानों जागो, वोट किसको देंगे हम लोग, वोट किसको देंगे। आवाज नहीं पहुंच रही, पतंग की निशानी को इतनी जोर से चिल्लाओ कि हर नौजवान के दिल दिमाग में यह निशानी पहुंच जाए, वोट किसका, वोट किसका। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सबके दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे चेहरे लाकर दिए हैं कि आपको उन्हें अपनी मोहब्बत से जिता। हमारे पास किसी भी तरीके की नाजायज दौलत नहीं, हमारे पास किसी भी तरीके की ये फितना अंगेजी नहीं है। हमारे कायद बीजेपी के खिलाफ तने तनहा लड़ रहे हैं और ये राष्ट्रवादी पार्टी वाले बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। ऐसी पार्टी को क्या आप लोग सपोर्ट करोगे? ऐसा लग रहा है कुछ जितेंद्र आहार के लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या राष्ट्रवादी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करोगे? क्या आप लोग यहां से राष्ट्रवादी पार्टी वालों को भगाना चाहते हो? तो उसके लिए आने वाली 21 तारीख मुमरा के लिए एक बदलाव का दिन है। 21 तारीख मुमरा के लिए एक इंकलाब लाने का दिन है। 21 तारीख झूठे वादों को यहां से भगाने का दिन है। 21 तारीख आप सबके लिए एक अहम दिन है जहां आपको सबसे पहले सुबह उठकर जाना है और पतंग के निशान पर पतंग दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनान को बहुत ही ज्यादा वोटों से कामयाब कराना। शायद जनाब हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुमरा के हक में पहुंच चुके हैं। यहां कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके सामने इजहार ख्याल करना चाहते हैं। मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक शेर है जिससे मजलिस यहां पर शुरू हुई है, मैं आप सबके दरमियान उसका आखिरी मक्का पढ़कर निकलता हूं। मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, इनका इस्तेमाल कैसे करोगे? लगा नारा से उसे नारा। आएगा